हेलो दोस्तों, आज हमारा SSB इंटरव्यू के प्रोसेस और उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाए सीरीज का थर्ड एपिसोड है। आज हम आपको जानकारी देंगे कि SSB इंटरव्यू D3 के प्रोसेस में क्या होता है और उसमें किन बातों का ध्यान रखा जाए। अगर आपने SSB इंटरव्यू D1 और D2 के एपिसोड नहीं देखे हैं तो उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसमें जाएं और ध्यान से देखें। तो आइए अब शुरुआत करते हैं अपने इस सीरीज की और जानते हैं कि SSB इंटरव्यू D3 के प्रोसेस के बारे में। D3 में आप जब जाएंगे तो GTO होता है, GTO का फुल फॉर्म में बता दूं, ग्रुप टेस्टिंग ऑब्स्टिकल टास्क होता है। इस आउटडोर टास्क में अपनी क्वालिटीज़ को जज करने के लिए कि आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं, तो इस GTO टास्क में ऑफिसर्स ये आपका देखते हैं कि बच्चा लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर है कि नहीं। इसमें क्या आता है, इसमें आता है GD आता है, ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं, PGT प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, इसमें ऑब्स्टिकल के साथ सॉल्व करना होता है। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क में आपको कुछ ऑब्स्टिकल्स दिए जाते हैं, कुछ बाधाएं दी जाती हैं, तो आपको उसको सॉल्व करना होता है। फिर आता है IoT इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क, इसमें होता क्या है कि GTO तो पहले आप बता दूं कि पूरे ग्रुप में टास्क होता है, उसमें लीडरशिप क्वालिटीज आपकी देख ली गई। फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क होता है जब ये ख़त्म होता है, जिसमें आपको चेक करना होता है कि इंडिविजुअली आप इस टास्क को कैसे पूरा करेंगे अगर आपको कोई टास्क अकेले दिया जाता है। फिर आता है कमांड टास्क, इसमें क्या होता है, यू एक्ट लाइक अ कमांडर। आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप कमांडर बनते हैं तो आपको कमांडर की तरह ही वहाँ बिहेव करना है इस कमांड टास्क में। इस कमांड टास्क में आप क्या करते हैं कि 2 से 3 कैंडिडेट को अपने ग्रुप से चूज़ करते हैं कि हाँ ये आपकी हेल्प करेंगे कमांड टास्क में, और उन 2 से 3 से ही आपको वो टास्क को पूरा करना होता है कमांड टास्क। अगर उस टास्क में आपको लगता है कि आपने अच्छे से कमांड करा है तो आपको कमांड टास्क कम्प्लीट होता है। फिर आता है इंडिविजुअल लेक्चर एड, 1 बाय 1 आता जा रहा है, जैसे GTO आया, फिर ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज आई, फिर प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क आया, फिर इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल टास्क आया, फिर कमांड टास्क आया, फिर आता है इंडिविजुअल लेक्चर एड। इंडिविजुअल लेक्चर एड क्या होता है, इसमें आपको एक टॉपिक दे दी जाती है, उस टॉपिक को आपको चूज़ करना होता है, एक चिट्स का बाउल आता है उसमें से आप चिट निकालते हैं, उसमें से एक टॉपिक आपको जो मिलती है उस चिट में से, उसमें 3 मिनट तक आपको बोलना रहता है। फिर जैसे इंडिविजुअल लेक्चर एड ख़त्म होगा फिर आपका फाइनल ग्रुप टास्क आता है। फाइनल ग्रुप टास्क में भी आपको जितने टास्क है उसका पूरा निचोड़ करके फाइनल ग्रुप टास्क में एक और टास्क दिया जाता है जिसको कि आपको आसानी से करना रहेगा। और आपको इस वीडियो में आज पता लग गया होगा SSB D3 में भी क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान रखनी है जिससे कि आपका SSB D3 भी आसानी से क्लियर हो सके। और SSB D4 के बारे में आपको जानना है तो हमारा नेक्स्ट वीडियो SSB D4 के बारे में ही आएगा, तो उस वीडियो में आप जान पाएंगे SSB D4 में क्या क्या चीज़ें होती हैं। थैंक यू सो मच।